हमारे शोर तो हम बोल के गई तो हम गाँव जा रही है, ये झूठ है। कहलवाना कि हाँ मैं उधर की हूँ और मैं इस तरह से ये पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना, ये तो दिस इज नॉट। उसको फुल आजादी थी, इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया। तो ये भी हम कह सकते हैं वो रॉकी एजेंट थी। सचिन ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। मुल्क कंगाली के मुहाने पर खड़ा है लेकिन जिन्ना के वारिस सीमा हैदर की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा सेंटर में सीमा और सचिन की प्रेम कहानी चटखारे लेकर सुनी और सुनाई जा रही है। हर दिन सीमा की जिंदगी से जुड़े नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ये वो घर जहाँ पे सीमा यहाँ पे रहती थी, ये वो उस गेट से जो है वो सीमा का घर होता था, यहाँ मालिक मकान रहते थे। बोल के गई तो हम गांव जा रही है ना, पता नहीं था तो कहाँ जा रही है। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं ये झूठ है, वो पैसे भेज देता था। कराची शारजाह नेपाल से होते हुए ग्रेटर नोएडा तक विस्तार से पूरी कहानी बताएंगे। इस प्रेम कहानी का अहम सेंटर नेपाल है। नेपाल में सीमा और सचिन की पहली बार आमने सामने की मुलाकात हुई थी। सीमा और सचिन ने दावा किया था कि उन्होंने नेपाल में ही शादी रचाई थी। सीमा नेपाल के रास्ते ही भारत पहुंची और फिर सचिन से मिली। सीमा के लाइट डिटेक्टर टेस्ट में नेपाल इसलिए अहम है क्योंकि सालों से पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI नेपाल में अपना मजबूत बेस बनाने में जुटी रही थी। पिछले कई सालों से नेपाल के रास्ते ही ISI ने आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई, आतंकियों के लिए हथियार सप्लाई किया, नकली नोट का जखीरा भारत भेजा। इसीलिए पाकिस्तानी सीमा के नेपाल कनेक्शन की पड़ताल जरूरी है। नेपाल में ABP न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पाकिस्तानी दूतावास पहुंचे। सीमा को लेकर पाकिस्तान में तो हंगामा है, शोर है, लेकिन काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में सन्नाटा है। कोई भी पाकिस्तानी अफसर सीमा पर बोलने को तैयार नहीं। ये काठमांडू में पाकिस्तान का दूतावास है, हम यहाँ पर आए और हमने जानने की कोशिश की कि सीमा हैदर का जो इशू है उस पर पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पर जो है उनका क्या कहना है, क्योंकि पाकिस्तान का की नागरिक यहाँ पर काठमांडू के रूट के जरिए भारत में घुसी है, लेकिन यहाँ पर चुप्पी साध ली गई है। किसी भी बात का तमाम जो हमने कोशिश की है कोई बात करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान अपना रुख जितना साफ नहीं कर रहा उससे संदेह और बढ़ रहा है। नेपाल में बेशक सीमा पर खामोशी है लेकिन पाकिस्तान में सीमा को लेकर शोर आसमान तक है और पाकिस्तान के लोग सीमा सचिन को लेकर ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसे सुनकर पहले आप हंसेंगे फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है, अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब उस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे, जो अपने बच्चों की नहीं, अपनी शोर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है तो वो कौन सी होगी, वहाँ कौन सी अच्छाई करेगी। दिन में चांद तारे देखने और दिखाने वाले पाकिस्तानियों की कहानी हम आपको बताएंगे लेकिन पहले बात सीमा के नेपाल कनेक्शन की कर लेते हैं। नेपाल से सीमा जिस अंदाज में भारत पहुंची उसी से शक गहरा हो गया, क्या वाकई कोई इतनी आसानी से नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकता है? पहले आप देखिए भारत नेपाल बॉर्डर पर कैसी व्यवस्था है। ये नेपाल की सरहद है जो नेपाल से लोग आने जाने वालों के नाम पर चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। लोग खुलेआम आसानी से आ जा सकते हैं, ना जांच की जा रही है, ना कोई चेकिंग की जा रही है, ना इनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है, चाहे वो इन्हीं रास्तों से कोई भी आतंकवादी संगठन प्रवेश कर सकता है, चाहे वो सीमा हैदर हों, चाहे और कोई भी संगठन के लोग हों। नेपाल से जिस अंदाज में सीमा भारत पहुंची उससे शक होता है। ये शक इसलिए क्योंकि कोई भी सामान्य शख्स ऐसा करने की सोच नहीं सकता, इसीलिए सीमा पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पाकिस्तानियों को चुभ रहे हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी इंडिया में जाता है इनलीगल तरीके से, वो गई मैं मानती हूँ, या कोई इंडियन पाकिस्तान आता है तो हम दोनों मुल्कों की जो एजेंसीज हैं, आर्मी है, पुलिस है, उसको टेररिस्ट क्यों कहना शुरू कर देते हैं? वो बता भी दिया कि उन्होंने वो नाम किया है, मैंने वो घर बेचा, उसके जरिए मैं आई हूँ, पासपोर्ट है मेरे पास, वो प्रॉपर बता भी, फिर उसके अंदर जाना नहीं, आप बताएं, इसका मतलब वो जान के उसे कहलवाना कि हाँ मैं उधर की हूँ और मैं इस तरह से ये पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना, ये तो दिस इज़ नॉट गुड।
सीमा से 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, एजेंसियों ने अब तक उसे क्लीन चिट नहीं दी। उधर जिन्नालैंड में सीमा को लेकर नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। पहले सीमा को वापस लाने की मांग करने वाले पाकिस्तानी अब सीमा को रॉ का एजेंट बताने लगे। क्या लगता है कि जो वहाँ पर वो एक महीना रही है, जो उसने अपनी चीजें वहाँ पर की है इंडिया में रहते हुए, उसको देखते हुए यही लगता है कि वो इंडियन या रॉकी एजेंट भी हो सकती है? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि जो ये भी हम कह सकते हैं वो रॉकी एजेंट थी। कम अक्ल पाकिस्तानियों की बेवकूफी पर आप चाहें तो हंस सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है नहीं। इंटरनेट के जमाने में पबजी खेलते खेलते सीमा और सचिन का प्यार परवान चढ़ा। सचिन के लिए सीमा कराची से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। पाकिस्तानी इसे काले जादू का असर बता रहे हैं। इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी, शोहर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है, जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है। उसको फुल आजादी थी, इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। भारत में सीमा पर अभी जांच चल रही है। सीमा के पाकिस्तान और ISI कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में सीमा नेशनल मुद्दा बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स में सीमा छाई हुई है। कोई पाकिस्तानी कह रहा है कि सीमा को कानूनी प्रक्रिया पूरी करके जाना चाहिए था, तो कोई चेतावनी दे रहा है कि सीमा सचिन के पास भी नहीं रहेगी। सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो, हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है। सीमा सचिन ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ऐसा नहीं कि हर पाकिस्तानी सीमा की कहानी को धार्मिक और कट्टरपंथी नजरिए से ही देख रहा है। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो सीमा सचिन की कहानी को भी दिलचस्प अंदाज से देख रहे हैं। बहादुरी का काम होता है जो हर एक के बस की बात नहीं होती है, ना उसको किसी ने सिखाया था ना उसके अंदर ये चीज थी। सचिन की ये पहली शादी है और मैं तो इंडियन कल्चर और इंडियन फैमिली से इतना इंप्रेस हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो पाकिस्तान से शादी कर। मैं ये बोलूंगी कि वो खुश है ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी कंसर्न होना चाहिए। सीमा पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पाकिस्तानी मीडिया में सीमा पर चर्चा और चक्कलस जारी है। भारत में सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में खामोश है।